हाई गायज आई नो ऑल ऑफ आर फर्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ़ सी ई टी ऑल ऑफ आर दर लॉड ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग टू माइंड बट मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप प्लीज़ रिलेक्स करो ठीक है एक बार रिजल्ट आ दो पता चलेगा कि नॉमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है फिर देखते हैं क्या होता है ठीक है अपने हाथ में कुछ नहीं है ट्रस्ट में गायज उधर बड़े लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है कि पैटर्न चेंज हुआ है और हम यहाँ पे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन एट्टी क्वेश्चन को लेकर बैठे स्लॉट थ्री में ये हुआ है स्लॉट टू में ये हुआ है ठीक है लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है ठीक है आप प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेस ज़्यादा मत लो आई नो पहला कमेंट आने वाला है कि स्ट्रेस कैसे नहीं रहे सर मेरे मेरे करियर का सवाल है उसका तो भाई कुछ याद तो कुछ नहीं कर सकते ना जब तक उनका ऑफिशियल वहाँ से नहीं आता नोटिस हम क्या कर सकते हैं ओके okay. जो कर जो बॉडी कैन टेक सिक्स मंथ्स टू कंडक्ट द एग्ज़ाम जबकि बाकी सारी दुनिया भर के एग्ज़ाम टाइम पर हो रहे हैं फाइन वो भी अपना टाइम लेंगे रिजल्ट निकालने में रिजल्ट इज ऑन सेप्टेंबर ट्वेंटी या ट्वेंटी अक्टूबर ठीक है ये भी चल रहा है डी का जो ऑफिशियल ब्रोशर में लिखा था कि ट्वेंटी एट्थ ऑफ सेप्टेंबर को रिजल्ट आ जाएगा सो वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट दिस एन हिस्टोरिकली सी ई का रिजल्ट विद इन टेन डेज फिफ्टीन डेज आया रहा है हिस्टोरिकली ये विद इन फिफ्टीन टेन डेज में रिजल्ट दे देते लास्ट ईयर कोविड की वजह से रिजल्ट को डिले किया था उसको छोड़ दो एक साल बीच में छोड़ दो कोविड के टाइम पर बहुत कुछ हुआ था हो भी रहा है बहुत कुछ अदरवाइज रिजल्ट हमेशा टेन डेज फिफ्टीन डेज ट्वेंटी एट में रिजल्ट हमेशा आ जाता था ठीक है अभी अक्टूबर ट्वेंटी कौन बोल रहा है एक किसी वे, वेबसाइट पर आया मुझे कल से वो मैसेज आ रहे हैं कि सर ये पर्टिकुलर वेबसाइट ने बोल दिया कि ट्वेंटी अरे बाबा वेबसाइट तो क्या क्या, क्या 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 नहीं कहते सीई टी के बारे में नोटिस ऑफिशियल नोटिस में जो आया था ट्वेंटी एट और सेप्टेंबर में आया था ना द क्वेश्चन इज वेदर सी टी विल बी रिजल्ट बी आउट ऑन ट्वेंटी एट ऑफ नो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल नो ओके

देर आर सम पीपल हु वॉन्ट टू ज्वाइन सम नेक्स्ट ईयर अगले साल रिपीट करना चाहते हैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है केस करने से और लेट होगा स्टे नहीं आना चाहिए प्लीज डोंट केस सो गेट मिक्स मिक्स रिएक्शन फ्रॉम पीपल सुबोध भाई ने तो ट्वेंटी एथ का रिजल्ट आएगा डोंट फेयर चिल छब्बीस लाइक भी आगे भाई को ओके okay. उसमें पहले कमेंट भी आ गया एंड दैट रीज हार्ट बीट भाई लोग जब क्यों इतनी टेंशन ले रिज़ल्ट का ट्रस्ट में भाई ये ना तूफान से पहले की शांति है कुछ दिन का तुम्हें इंजॉयमेंट करने को मिला है चुपचाप इंजॉय कर लो जैसे ही रिजल्ट आ गया ना तुम्हारे घर से प्रेशर परेशाना स्टार्ट हो जाएगा हर तरफ से तुम्हें तुम्हारे पे प्रेशर परेशाना स्टार्ट हो जाएगा तो इंजॉय कर लो कुछ दिन और रिज़ल्ट जब आएगा तो आएगा ट्वेंटी को आएगा अच्छी बात है आए ऑन टाइम आ जाए तो अच्छी बात है नॉ डी टी सेम रिजल्ट विल कम ऑन ट्वेंट ट्वेल्थ और अक्टूबर की किसी ने यह भी कमेंट में डाला है तो कुछ भी पब्लिक कमेंट डाल रहे हैं तो उसकी आप टेंशन मत लो यार वही ना अभी एग्जाम दाम कुछ है नहीं भाई लोग घर पे बैठे वेल ओके तो कमेंट मार रहे हैं बिंदास ये अनंत का कमेंट बहुत प्यारा जल्दी से दूसरा एग्जाम कलेक्ट कर दो एक हफ्ते के अंदर और एक वीक में रिजल्ट दे दो ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई एक हफ्ते में कौन इंट्रेक्ट करेगा एग्ज़ाम कलेक्ट करेंग करेगा भाई पहले वो टेंडर फ्लोट करेंगे हु विल करेक्ट द एग्ज़ाम ठीक है पहली बात तो मानेंगे कि पैटर्न गलत था वो तो मानने को तैयार नहीं भाई हम लोग यहाँ लड़ झगड़ के क्या क्या नहीं कर दे ठीक है और पब्लिक वहां पे तो पब्लिक मानने को तैयार नहीं कि भैया उनका पैटर्न चेंज हुआ है हाँ तो दिस वॉज एज पर द टी पेपर पैटर्न बातें खत्म कर दिया सर ने तो, तो लेट्स वेट एंड वॉच इतना ज़्यादा टेंशन मत लो जो होगा देखा जाएगा ओके ऑल द बेस्ट